हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम परिधि जैन और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन बैंकिंग एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है और ये पहले से किसी का अच्छा या बुरा नहीं होता। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप जैसे इसे जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और जितना सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस से। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस। तो जो करंट अफेयर होता है उसका वेटेज एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा होता है, करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करें कि कितने करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम में जनरली प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से याद करके जाना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं। आप प्रीवियस 9 मंथ्स के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद नहीं रह रहा है, तो प्रीवियस 6 मंथ्स के आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। उसमें भी जो प्रीवियस 3 मंथ्स के होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स के से क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके प्रीवियस 3 मंथ्स के अच्छे से नहीं करने हैं, आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से करके जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की। तो जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो अब इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इससे प्रीवियस 2 ईयर्स में इतने डिफ़िकल्ट और इन डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन मैंने रिसेंटली आरबी असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था 2020 में, तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस आया था उसका डिफ़िकल्टी लेवल देख के मुझे ऐसा लगा कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इन डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। जो भी न्यूज़ की हेडलाइंस से अगर हम सिर्फ उतना पढ़ लेंगे या सिर्फ ऊपर ऊपर से करंट अफेयर्स को पढ़ के जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में उसे अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो जो मेरा एग्ज़ाम का एनालिसिस है उससे मैं यही समझ पाई कि जो इन डेप्थ क्वेश्चन से वो आपको ज़्यादा अच्छे से करके जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के वो होते हैं नेशनल करंट अफेयर्स, देन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एग्रीमेंट्स, MOUs, डिफेंस, ऑबिचुरीज, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, देन इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑल्सो एंड अपकमिंग 2 मंथ्स ऑल्सो, देन करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्टेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कीम्स लॉन्च्ड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा हो सकता है। आगे मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करूंगी कि आपको कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जिससे आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन और अच्छे से हो पाए। पहले हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। तो बैंकिंग अवेयरनेस में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है करंट बैंकिंग अवेयरनेस और एक होता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। तो जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस होता है वो आपका करंट अफेयर्स से भी प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, तो उसमें आपका करंट बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जाता है। अब हम स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इसमें वो सारी चीज़ें आती है जो एक बैंकिंग अवेयरनेस में इम्पॉर्टेंट होती है, और इसमें थोड़ा सा वेटेज थोड़ा कॉमर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ये पहले से पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने ये चीज़ें पहले से काफ़ी अच्छे से पढ़ी हुई नहीं होती है। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या जो कॉमर्स के अलावा जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आने वाली जितनी भी बैंकिंग एग्जाम्स है उसमें आप इसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो होता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, देन टाइप्स ऑफ बैंक्स, वर्किंग ऑफ बैंक, RBI एंड इट्स फंक्शन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, GDP, बजट, पॉलिसी रेट्स, देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, टाइप्स ऑफ ATMs एंड सम एब्रिविएशंस रिलेटेड टू बैंकिंग। तो ये सारे टॉपिक्स एक बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिक अवेयरनेस की। तो जो स्टैटिक अवेयरनेस है उसका वेटेज धीरे धीरे एग्जाम्स में कम होता जा रहा है। पहले इसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते थे, लेकिन रीसेंट में जो ट्रेंड चल रहा है इसके क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस टॉपिक को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, क्योंकि अगर इस स्टैटिक अवेयरनेस से 2 क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए।
तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो है कंट्रीज़, कैपिटल, करेंसीज, डैम्स, रिवर्स, नेशनल पार्क, फेस्टिवल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर ऑफ बैंक्स ऑल्सो लाइक फॉरन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, दैन टेम्पल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मिनिस्ट्रीज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डांसेस, डिफेंस एक्टिविटीज एंड स्टेडियम्स। तो ऐसे काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपको अब ये सारे टॉपिक्स इतने वास्ट है कि आप सारे टॉपिक्स तो कवर नहीं कर सकते, तो इसमें आपको एक स्मार्ट तरीके से ऐसे पढ़ाई करनी है कि जो 6 मंथ्स में करंट अफेयर्स आ रहे हैं उसमें इनके इनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो आपको उस पार्ट में स्टैटिक अच्छे से करके जाना है। तो इस तरीके से आपका स्टैटिक अवेयरनेस भी कवर हो जाएगा। आपको सब कुछ पूरी तरह से रट के नहीं जाना है, क्योंकि इससे आप सारा कर भी नहीं पाएंगे और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेजर रिसोर्सेज की, जहाँ से स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि उन्हें न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए या न्यूज़ चैनल्स देखनी चाहिए, जिससे वो बैंकिंग एग्ज़ाम का करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अच्छे से करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप किसी भी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं या कोई भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे और आप उसका डेली रिविज़न कर पाएंगे। तो रिविज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी करंट अफेयर्स को पढ़ने का। अगर आपने करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लिया और आपने एग्ज़ाम में जाके उसे एग्ज़ाम में सीधे अपीयर हुए, तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने ये पढ़ा तो है लेकिन आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिविज़न, और रिविज़न आपको डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप उसके MCQs कर सकते हैं, लेकिन वीकली बेसिस पे अगर आपको करंट अफेयर्स करना है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार आपको गाइडली का स्मार्ट क्विज सेक्शन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें वीकली बेसिस पे आपके 400 क्वेश्चंस पर वीक होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज़ है, आपने उसकी हेडलाइन पढ़ी, अब उसी न्यूज़ से एग्ज़ाम में हेडलाइन का क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन कोई इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया या कोई स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आपको लगेगा कि ये न्यूज़ तो आपने पढ़ी है लेकिन आपको उसका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अगर आप गाइडली का स्मार्ट क्विज पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे जो एकदम डायरेक्ट पूछे गए हैं, फिर पार्ट 2 में वही न्यूज़ से कुछ 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन डेप्थ में पूछे गए हैं, फिर पार्ट 3 में सेम न्यूज़ से कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट 4 से उसी न्यूज़ से कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। तो जब आप सेम न्यूज़ के 400 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से, तो आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, और आपको उसी न्यूज़ से अगर एग्ज़ाम में इन डेप्थ या स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे गए तो वो आपको ईजिली बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसका जो स्मार्ट एनालिसिस है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसमें आपको इस तरीके से एनालिसिस किया गया है कि आपका करंट अफेयर्स में कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आपका इन डेप्थ वीक है या आपका हेडलाइन वाला पोर्शन वीक है या आपका स्टैटिक वाला पोर्शन वीक है। तो उसमें स्मार्ट एनालिसिस बहुत ही अच्छे से किया गया है, और ये जो गाइडली का जनवरी 2021 का स्मार्ट क्विज है ये फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें एग्ज़ाम में अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी वो ये कि कभी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट ना करें। आपको जिस दिन से बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करनी है उसी दिन से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देने, वो भी डेली बेसिस पे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा आपका करंट अफेयर्स पाइलअप होता जाएगा और आप इतना सारा एक साथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिले कभी ना करें। जब आपने सोच लिया कि आपको बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करनी है, आप उसी दिन से उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। दूसरी मिस्टेक जो सब स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो 10 सोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप जब अलग अलग सोर्सेज से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको रिविज़न करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैक्सिमम आप 2 सोर्सेज या 1 सोर्स से ही पढ़ें, क्योंकि आप जितने कम सोर्सेज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी। तीसरी चीज़ ये कि कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आप नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देंगे जितने टाइम में आप और ज़्यादा करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने की आदत होती है, उन्हें लगता है कि उन्हें लिखे बिना याद नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर
पीडीएफ मटेरियल जो अवेलेबल होता है आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस या कुछ भी अगर आता है तो उसका पीडीएफ मटेरियल भी अवेलेबल होता है, तो आप नोट्स बनाना अवॉइड करें। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ों से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।